था वो एसआई का ट्रिक और सबसे शॉर्ट तरीका एक दो फार्मूला जो था आप देख लीजिए एक बार। साधारण ब्याज जिसको ये सिंपल इंटरेस्ट होते हैं बराबर दर गुना समय, ठीक है। एक और फार्मूला दिया था पिछले क्लास में वो अमाउंट बराबर मूलधन जोड़ एसआई, ठीक है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमेशा जब भी आवश्यकता पड़े तो मूलधन को सौ मान, ठीक है। यही दो तीन पॉइंट है पूरे चैप्टर के लिए। जिस टाइप का भी सवाल हो, जितना भी वो जटिल से जटिल सवाल हो, सब में यही तरीका रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, जैसे एक सवाल मान लीजिए ना, ये आपके पास है मूलधन पता आपको 1000 रुपये, समय पता है 2 वर्ष, और ये रेट पता है मान लीजिए वो 5%, तो ऐसा ही कितना होगा, ठीक है। बाद बाकी अपने रेशियो का पूरा वो रेशियो का पुराना तरीका वो आपको लगाना है, वो सवाल में दिए गए निश्चित राशि की तुलना उसकी अनुपातिक राशि से और जिसको निकालना होता है उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल को। सवाल आपको पता है मूलधन का तुलना मूलधन का, अगर मूलधन पता है आपको, और ये ध्यान रखें तो महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि वो दर और समय को कभी निश्चित राशि नहीं समझना है, ठीक है। मतलब ये कि दर और समय हमेशा आपका अनुपातिक राशि होगा, ठीक है। तो आपको पता है वो रेशियो के तरीके में कि अनुपातिक राशि को हमेशा नीचे रखते हैं, मतलब हर में रखते हैं, ठीक है। बाद बाकी तुलना में इसलिए करते हैं। अभी अगर बात करें मूलधन के बारे में, सवाल के हिसाब से मूलधन 1000 रुपये दिए हुए, मतलब निश्चित राशि पता होगा मूलधन 1000, ठीक है। और अपने हिसाब से हम बताना कि मूलधन को हमेशा 100 माने, चाहे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। हर तुलना 100 से समय गुना दर को ब्याज बोलेंगे। यहाँ फार्मूला पूरा से ब्याज बराबर होता है दर गुना समय। देखिए दर गुना समय, दर को होता है 5%, समय 2, गुना कर दिए 5 गुना 2, कैलकुलेट करेंगे। देखिए सुनना सुनना क्या से 10 पे 100 रुपया ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है। अब इसी सवाल को थोड़ा हमारे दूसरे तरीके से बना रहे हैं। देखिए आप अच्छे से, जैसे मान लिया कि सवाल आपको मूलधन नहीं मालूम, मूलधन आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा ही आपको पता है 100 रुपया, तो बताना मूलधन कितना हुआ, ठीक है। काफ़ी आराम तरीका हुआ, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए आप कैसे बचपन में लोग पढ़ता ना वो PTR/100 ऐसा ही है, तो रेट निकालना तो अलग फार्मूला, टाइम निकालना तो अलग फार्मूला, बट नहीं, यहाँ सब में एक ही फार्मूला यूज करना है, बस बातों को समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको ऐसा ही पता है, इस बार हमको ऐसा ही पता है, बताया कि दर और समय का अनुपातिक मानना है, मतलब इसके अलावा जो भी होगा वो निश्चित राशि होगा, ठीक है। तो ये ना आपको ऐसा ही पता है, सवाल के हिसाब से ऐसा ही पता है 100 रुपया। यहाँ ऐसा ही अगर ऐसा ही ऊपर है तो ऐसा ही का तुलना ऐसा ही करना होगा, कहने का मतलब ये ऐसा ही मतलब दर गुना समय, तो 2 × 10 से तुलना, ठीक है। इस बार निकालना है मूलधन, मूलधन निकालना है कहने का मतलब 100 से गुना, 100 से गुना कर लिए, सुना सुना कहाँ से मतलब 1000 रुपये, ठीक है। तो यही काम करना है। ऐसे मान लीजिए ना, अभी अगले केस में आपको दिखा रहे एक और डेमो, ये मूलधन मान लीजिए ना आपके पास पता है 1000 रुपये, ठीक है। इस बार समय नहीं मालूम, इस बार समय नहीं मालूम, ठीक है। अभी आपको बता चुके हैं कि दर और समय अनुपातिक राशि होता है, इसके अलावा जो भी होता है वो निश्चित राशि होता है, ठीक है। अब आप चाहे तो मूलधन से निकाल सकते हैं जवाब, या ऐसा ही से, जिससे चाहे उससे निकाल लें। चलिए हम शुरू करते हैं, पहले ना मूलधन से निकालते हैं फिर ऐसा ही से निकाल देंगे, ठीक है। अगर मूलधन के बारे में बात करें, सवाल के हिसाब से मूलधन 1000 रुपया, अपने हिसाब से हमेशा मूलधन 100 रुपया, समय गुना दर को ब्याज बोलेंगे, ठीक है। समय नहीं मालूम, समय को टी मान लिए, गुना दर पता है आपको 5%, समय गुना दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना पता है आपको 100, क्योंकि यहाँ मूलधन का तुलना मूलधन से किया, यहाँ पे दर गुना समय के मतलब जो निकले वो ब्याज होगा, ब्याज के बराबर होगा, रखिए ब्याज का, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिए, ये 2 × 2 कैंसिल, 1 × 1 कैंसिल, समय बराबर 5 × 2 वर्ष, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो ऐसा ही सभी सवाल को निकाल, जैसे आप देखिए सवाल के हिसाब से पता है आपको ऐसा ही 100 रुपया, अपने हिसाब से ऐसा ही होगा दर गुना समय, और दर पता है आपको 5%, समय नहीं मालूम, समय को टी मान लिए, इस बार आपको मूलधन पता है गुना अगर 100 किए मतलब मूलधन के बराबर, तो मूलधन कितना 1000 बराबर, ठीक है। अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 × 3 कैंसिल, ठीक है। ये 5 × 10 मतलब समय बराबर कितना हो गया 2 वर्ष, ठीक है। कहने का मतलब ये कि सब में एक ही तरीका आपको लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर बात करें अगले सवाल के बारे में, तो मान लीजिए समय आपको पता है 2 वर्ष, और इस बार ना दर नहीं मालूम, दर निकालना है, ठीक है। दर निकालना है तो फिर से वही काम, चाहे तो आप मूलधन को ले लीजिए या फिर ब्याज को ले लीजिए। चलिए मूलधन से ही शुरू करते हैं। सवाल के हिसाब से मूलधन 1000, अपने हिसाब से मूलधन 100, समय गुना दर को ब्याज मिले, ठीक है। इस बार समय मालूम 2, दर नहीं मालूम, दर को और मान लिए बराबर ब्याज कितना 100 सवाल में दिए हुए, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 0 × 0 कैंसिल, 1 × 0 ये कैंसिल, 2 × 5 = 10, खाने का मतलब दर कितना 5% के बराबर है। तो मतलब ये कि अभी मेरा ये दूसरा क्लास है आप लोग के लिए सारा ब्याज का, ठीक है। हम इसे बारी बारी से टाइप बाई सवालों के बारे में बात करेंगे, और जितना भी सवाल होगा सब में यही एक तरीका पूरा, यही एक फार्मूला होगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
इसी सवाल को आप बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छे से बारीकी से बनाएंगे, बार बार समझेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आएगा ना कि ये काफ़ी खूबसूरत तरीका और ये सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप इस पे लगाए तो ये चला, उस पे वो चला। बहुत लोगों को हम देखा ना कि वो फार्मूला रटने वाले काम करते हैं, वो काम नहीं, ठीक है। देखो, एक कंपटीशन की दुनिया में अपना एक अलग वो समय और महत्व रखता है, ठीक है। सवाल बनाना दूसरी चीज़ है, बट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, एग्ज़ाम क्रैक करना वो दूसरी बात होती है, जानकारी होना अलग चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ बात करें ना कि आप जैसे भी हो कितना कम समय कितना ज़्यादा बनाते हैं, उसके लिए आपको ट्रिक आना ही चाहिए, ठीक है। एक ही फॉर्मूला सब पे लागू, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं, अगला आपके लिए वो होगा, ठीक है ना। चलिए फिर, वो थैंक्स।